Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching Katha Ankahee. Subscribe to Sony Live channel and hit the bell icon for more updates from Katha Ankahee. चले कॉन्फ्रेंस रूम में, व्यान सर आते ही होंगे ना। आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, जल्दी रिशेड्यूल करती हूँ। मैम कैंसिल, बट आज तो व्यान सर हमारे प्रोजेक्ट आइडिया सुनने वाले थे ना। हाँ सुनेंगे, पर आज वो थोड़ा बिजी हैं, जल्दी मीटिंग रखते हैं। तब तक आप लोग और ब्रेन स्टॉर्म कीजिए और आइडियाज सोचिए, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना अच्छा है, राइट? क्या यार, मेरे पास थोड़ा क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है अब। पापा जी एक बात परेशान कर रही है। बताना क्या हुआ। चलिए मैं तो अपना फर्ज निभाई देती हूँ। आप मम्मी जी ने आपको बताया हॉस्पिटल में व्यान रघुवंशी मिले थे? उन्होंने बैठ के बातें भी की हैं पापा जी, पर पता नहीं जब मैंने मम्मी जी को पूछा ना तो उन्होंने मुझे टाल दिया, कहा कि नहीं सिर्फ हाय हेलो हुई थी, जबकि 15 मिनट तो मैंने उन्हें बातें करते हुए देखा था। पता नहीं मम्मी जी ने क्यों। अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। पर रे पुत्र एक बात बता, तू घर के बाहर जाएगी और तुझे कोई जान पहचान का मिल जाएगा तो उससे बात करेगी ना? हाँ जी। बस यही कविता ने किया होगा, उसे लगा होगा कि छोटी सी बात है, इसके कोई मायने नहीं, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया होगा। मैं तो बस पापा जी वो। बस बेटा तो टेंशन मत ले, जा जाके गबलू को घुमा ला। कथा Katha, I'm so sorry, मैं सो गया था। Please चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग मैंने पोस्टपोन कर दी। What? पर वो मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी। आराम करना भी जरूरी है मिस्टर रघुवंशी। आप आराम कर रहे थे और मीटिंग बाद में हो जाएगी। नहीं नहीं यू नहीं, मैं क्या एग्जांपल सेट करूं अपने एम्प्लॉइज के लिए? कौन सोता ऑफिस में? आई एम द बॉस। मिस्टर रघुवंशी रिलैक्स, इतना ओवर थिंक मत करिए। कल आपने काम के साथ साथ एक बच्चे को भी संभाला है, इसलिए तो मैटरनिटी लीव दी जाती है ताकि माँ और बच्चे के बीच में काम ना आ सके। आप इतना गिल्टी मत फील करिए, इट्स ओके। कथा आई एम सो सॉरी, मुझे अभी बस याद आया अमृता को नैनी अभी तक नहीं मिली है और मुझे वहाँ पर जाना है। आप मैनेज कर लेंगे नी एम्प्लॉइज को? आप या शो आप जाइए। थैंक यू। आप बेबी संभाल लेंगे ना आज? आज मैं संभालूंगा, या डोंट वरी, थैंक यू। कॉल कर लीजिएगा जी, अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगी। ओके। आपने अपनी लाइफ में वियान अंकल को जगह दे दी है, लेकिन क्या आप कथा आंटी से सिफारिश कर सकते हैं? आपके इस क्यूट शक्ल को ना कोई मना नहीं कर सकता, प्लीज एक बार। ओ, 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 ओ। समझ गया, मैं गुस्सा मत हो, अभी टीम कथा में हो ना? नो प्रॉब्लम। हाय कथा, एक मिनट वीडियो कॉल पे आ सकती हैं? मैं बेबी के साथ हूँ। क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, बेबी परेशान कर रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मुझे लगा थोड़ी बात करूँ आपसे, शायद आज के बाद ऐसे दोबारा वीडियो कॉल करने का मौका नहीं मिलेगा। अमृता को एक नानी मिल गई है। अरे वाह, पर आप खुश नहीं है राइट? क्योंकि आपका पार्ट टाइम जॉब चला गया, बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने की खुशी नहीं मिलेगी आपको। मुझे छोड़ा नहीं जा रहा कथा,
वैसे आपके सारे टिप्स मैंने अपना लिए, जब जब मेरे पास आती है तो बहुत कम रोती है, बट मेरा टच पहचाने लगी, दैट्स व्हाट आई फील। चलिए आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई, अब आप भी समझने लगे हैं बेबी के हंसने और रोने का मतलब। कविता, अब तुमने मुझसे बातें छिपानी शुरू कर दी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने क्या छुपाया आपसे? योहान की वैक्सीनेशन वाले दिन तुम हॉस्पिटल में व्यान से मिली थी। हाँ, बाय चांस मिल गया था वो वहाँ। और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा, पूछ सकता हूँ क्यों? चला बात इतनी सी। अगली बार अगर वो तुमसे मिले या बात करे तो मुझसे कुछ मत छिपाना। कथा के पास तो ऑप्शन नहीं है, उसे मिलना पड़ता है रोज उससे ऑफिस में, लेकिन तुम्हारा उससे मिलना या बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम जानती हो ना, एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे उस लड़के पे। एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बोल। आज मम्मी और पापा पीटीए ग्रुप में स्कूल में स्विमिंग क्लासेस शुरू करने का सजेशन डालने वाले हैं। वाओ, ये तो बहुत मस्त आइडिया है यार, और स्कूल अथॉरिटीज मानेंगी? यूनिटी इज स्ट्रेंथ ब्रो, मम्मी और पापा मिलके बोलेंगे ना, हो जाएगा। मेरी एक छोटी सी हेल्प करेगा? हाँ बोलना। देख, मेरा एक दोस्त है रॉबिन। SJSPTG, ये क्या है? यही तो है हमारे स्कूल की पेरेंट टीचर ग्रुप की लिंक, जल्दी इसे ज्वाइन कर लो। मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? नो बैटमैन, नहीं। क्यों नहीं रॉबिन? प्लीज रॉबिन, मम्मा को छोड़ के एक आप ही हो जो मुझे समझते हो। ग्रुप में हर बच्चे के पास दो दो लोग हैं, तो मेरी तरफ से भी दो दो लोग हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। पर बैटमैन, इसके लिए आपकी मम्मा से परमिशन लेना पड़ेगा ना। आप उसकी टेंशन मत करो, डोंट वरी, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन। प्लीज रॉबिन, ये बस हम तीनों का सीक्रेट है, आप, मैं और मम्मा। प्लीज। ओके। Yeah! हुर्रे! मम्मा, गेस व्हाट? मैंने क्या किया? क्या किया? अरे मम्मा, मैंने रॉबिन को आपके ऑनलाइन पीटीए ग्रुप में ऐड करा दिया। क्या? हाँ, अब देखना, पेरेंट नंबर 10 आपके ग्रुप का सबसे कूल पार्टिसिपेंट होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या जरूरत लगी रॉबिन को इस ग्रुप में ऐड करने की? मम्मा, जैसे आप मुझे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा समझते हो, मुझे सबसे ज्यादा गाइड करते हो, वैसे ही रॉबिन मुझे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। सारे बच्चों की तरफ से ग्रुप में दो लोग हैं, तो मैंने भी सोचा कि मेरी तरफ से दो लोग होंगे तो कूल रहेगा। मम्मा, उसके होने से तुम्हें बेटर फील होता है? यस। Happier and more confident. Mama, आप ही तो कहती हो कि हर एक की लाइफ में एक स्पेशल जगह होनी चाहिए, वैसे ही माँ रॉबिन की जगह बहुत स्पेशल है। ओके, ये सी यू देन, बाय। सर, ये हमारे लास्ट मंथ के फिगर्स हैं। दुबई प्रोजेक्ट के लिए तो हमारे पास काफ़ी रिजर्व्स हैं, बट लोनावाला प्रोजेक्ट के लिए हमें फ्रेश फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो आपकी सैलरी में से ट्रांसफर कर लेते हैं। आई एम सॉरी गाइस, इतने ग्रुप्स में ऐड कर देते लोग आजकल, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को म्यूट नहीं कर सकते। मेरे बेटे को शूटिंग बहुत पसंद है, बट आई थिंक स्पोर्ट्स में जाना है तो क्रिकेट में ही फ्यूचर है। बट फ्यूचर आपके बेटे का है, उसका इंटरेस्ट जिसमें है उसे वही करना चाहिए, उसे जो पसंद नहीं है उसमें अपना 100% कैसे।
बच्चे का इंटरेस्ट इस गेम में है ही नहीं, उसमें वो एक्सेल कैसे करेगा? अपने बेटे पर भरोसा रखिए, शूटिंग करने दीजिए, क्या पता एक दिन ओलंपिक पोडियम पर खड़ा होकर नेशनल एंथम गाए। करेक्ट, आई कंप्लीटली अग्री विथ पेरेंट नंबर 10। मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। yeah, sure. ये जो हमारे तीनों न्यू जॉइनीज है ना, वान्या, अभिषेक एंड तानिया, तीनों काफी कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, तो क्यों ना इनको हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। इट्स अ ग्रेट आइडिया, पर क्या वो इतना प्रेशर झेल पाएंगे? आई थिंक अंडर प्रेशर ही क्विक और इफेक्टिव लर्निंग होती है, और ये सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांग रहे हैं और हमें न्यू कमर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जोश को एक मौका देना चाहिए, होश तो इवेंचुअली आ ही जाता है। जरूर ट्राई करना चाहिए, राइट? ग्रुप प्रोजेक्ट में सबको साथ में लेकर चलना होता है। सॉरी मैम, पर मेरे पास टाइम नहीं है। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज आप मुझे मेरी रफ्तार पर नहीं, मुझे मेरे काम पर जज करें। प्लीज मैम, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं जीतू भाई से बात करता हूँ। पेरेंट नंबर 10, आप सच में ग्रेट हैं। मैंने आपके जैसे सुलझे लोग कम देखे हैं लाइफ में। आपके बच्चे और वाइफ सच में बहुत लकी हैं। पेरेंट नंबर 10, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी बच्चे उस माइंड स्पेस में नहीं होते कि वो हमारी बात समझ सके, इसलिए उनका अटेंशन पाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। I agree with parent number 2. मेरे बेटे को टाइम आउट देना ही पड़ता है, नहीं तो वो हमारी बात पे ध्यान ही नहीं देता। मुझे लगता है इस टाइम आउट से आपके बच्चे को घिरा हुआ फील होगा, उसे क्रिमिनल जैसी फीलिंग आएगी, जो इन जनरल उसके बिहेवियर के लिए अच्छा नहीं होगा। पेरेंट नंबर 10, आप शायद बहुत लकी हैं, पर मैंने अपने बेटे को इतना गुस्सा, इतने नखरे करते देखा है कि उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। आपके बच्चे ने किया है कभी ऐसे? How does it mean? Of course किया होगा, हर पेरेंट ने बच्चों का ये फेस देखा होता है। Exactly. हाँ, हर फादर अपने बच्चे के नखरे उठाता है, पेरेंट्स नंबर 10 ने भी जरूर उठाए होंगे। That's not the... बहुत परेशान हुआ थी, दिमाग में ना हजारों चीजें घूम रही हैं। मन करता है कि तुमसे हर बात करूं, तुम्हें सब बताऊं, पर अजीब सा डर लग रहा है। कल स्कूल के पेरेंट्स टीचर्स ग्रुप में मिस्टर रघुवंशी ने वो हर बात की जो शायद तुम करते आते, वही बातें जो मैंने और तुमने की थी आदि,
आरव के पैदा होने के पहले बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रखना चाहिए, उन्हें कैसे प्यार से समझाना चाहिए, वो याद है वो रात रात भर हम बहस किया करते थे। वो भी यही सब बातें करते हैं और वो पता है मिस्टर रघुवंशी अच्छे आदमी है, पता है मुझे इसमें कोई शक नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि वो इस रास्ते पे चले। मैं उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। तुम सुन रहे हो ना आदि, तो कुछ बोलो ना, बात करो ना मुझसे, मुझे हेल्प करो। मैं फंस गई हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। प्लीज हेल्प मी आदि, प्लीज टॉक टू मी, हेल्प मी आदि, प्लीज आदि, प्लीज टॉक टू मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। कथा, क्या हुआ? अरे कथा, नीचा जी, मिस्टर रघुवंशी वो सब कर रहे हैं जो मुझे आदि की याद दिला रहे हैं। मैं जितनी कोशिश कर रही हूं उन्हें दूर रखने की, उन्हें ब्लॉक करने की, पता है आजकल पीटीए ग्रुप में बातें चल रही हैं, कह रहे हैं कि बच्चे आजकल कैंटीन में खाना नहीं खा रहे। आप मुझसे शेयर करना चाहोगे क्यों? शॉपिंग, मैंने मम्मा से झूठ बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस तक कभी मैंने मम्मा से झूठ नहीं बोला था। बैटमैन और झूठ, ये तो प्रॉब्लम बड़ी होगी। बोलो। हम सब ना हमारे कैंटीन मनी और गुल्लक मनी को सेव कर रहे थे हमारे एक दोस्त के लिए। इतने सारे पैसे? हाँ, वो हमारा एक दोस्त है रेयांश। ओके। बहुत अच्छा स्टूडेंट है। हाँ। बट वो EWS स्टूडेंट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीबी की रेखा के नीचे के बच्चों के लिए जो कोटा गवर्नमेंट ने रखा है। ओके। हाँ। वो एक्चुअली एक बास्केटबॉल मैच होने वाला है, डैड्स वर्सेस सन का, तो उसमें सारे बच्चों को न्यू शूज लेना कंपलसरी है। और श्रियांश अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो न्यू शूज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि हम सब अपना कैंटीन मनी और गुल्लक मनी को सेव करते हैं और उसके लिए न्यू शूज ले लेते हैं और उसे गिफ्ट कर देते हैं। Wow, that's amazing. That is. मिस्टर रघुवंशी, ऑल गुड? या ऑल गुड, इट्स जस्ट कल मेरी किसी से बहस हो गई थी। मैं एक पेरेंट्स ग्रुप पे हूँ ऐप पे, और कल रात एक स्टूडेंट की माँ से मेरी एक बात पे बहस हो गई थी। बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देने की बात हो रही थी और मैंने फौरन रियलाइज किया कि मैं बच्चों पे हाथ उठाने के कितने खिलाफ हूँ। पर वो भी इस बात के खिलाफ थी, शी थॉट इट वॉज रॉन्ग, पर अपने बच्चे को टाइम आउट देके सजा देती है, तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो मैं उनसे बहस करने लगा जनरली, पर शायद उन्होंने मेरी बात पर्सनली ले ली। बहुत बुरा लग रहा मुझे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर शायद मैंने उन्हें हर्ट कर दिया। आई विश मैंने उस मोमेंट में थोड़ा पेशेंस दिखा होता। एनीवे, आई बी ओके। थैंक यू फॉर आस्किंग। हेलो रॉबिन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। मेरा क्लासमेट है ना करण, हम सब अपने कलेक्शन उसी के पास सेफ रख रहे थे, बट उसके पेरेंट्स ने उसे पैसों के साथ पकड़ लिया और उसे बहुत डांट पड़ रही है यार। एक मिनट, जस्ट वन सेकंड। समझ नहीं आ रहा हमारे बेटे के पास इतने पैसे आए कहां से और वो इनका क्या करने वाला था।
मुझे नहीं लगता आपका बेटा अकेला था, पक्का ये सब बच्चे मिलके कुछ प्लान बना रहे थे। बैटमैन, आप जरा भी टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू रॉबिन। आई नो ये बहुत सीरियस मैटर है, मैं आप लोगों को एक लोकेशन भेज रहा हूँ, हमें मिल के डिस्कस करना चाहिए। मेरा बेटा तो मुझे कुछ बता नहीं रहा है। हाँ हाँ बताइए ना, चल क्या रहा है इन बच्चों के बीच, और आपको कैसे पता है इन सब के बारे में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको रिलैक्स करना होगा, राइट? मैंने जो मैसेज भेजा था, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा है, पर उसे समझा नहीं। गाइस, ये बच्चे एक क्लासमेट के लिए बास्केटबॉल शूज लेना चाहते हैं, दैट्स इट। ये जो फादर्स एंड सन्स गेम हो रहा है उसके लिए वो चाहते थे वो उसे ये शूज एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर दे। तो बच्चों ने हमें बताया क्यों नहीं, हम उनके लेकर आ जाते। नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन, पर आपके बच्चे ये नहीं चाहते कि उनके दोस्त या उसके पेरेंट्स को गरीबी महसूस हो, वो चाहते कि वो उसे ये गिफ्ट दे और बात यहीं ख़त्म हो जाए। तो जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ, बात बाहर निकली और यहाँ तक आ गए। आप लोग इस डर से अपने बच्चों पर शक कर रहे थे कि कहीं वो कुछ गलत ना कर रहे, तो और आपके बच्चे इस डर में छुप रहे कि कहीं उन्हें डांट ना पड़े, कि कहीं अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो उनके दोस्त को हर्ट ना हो या उसके पेरेंट्स को हर्ट ना हो। लेकिन उसके पेरेंट्स वो यहाँ है नहीं, मैंने कंफर्म करवा लिया, वो एक्चुअली वर्किंग पेरेंट्स है, इसलिए एक्चुअली मैंने इस ऑड टाइम पे ये मीटिंग रखी थी। आई एम हैप्पी कि बच्चे कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, पर ये तरीका ठीक तो नहीं है, और बच्चे हमसे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। पर इनके बच्चे ने तो सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे पूछा आपने अपने बच्चे से ये सब, कैसे उसने उगल दिया सब कुछ, डराया तो हमने भी बहुत था अपने बच्चे को। स्टॉप स्टॉप राइट देयर, बस यही तो नहीं करना है, डर की वजह से बच्चे हमसे बातें छुपाते, अगर अगर हम उन्हें कंफर्टेबल करा देना तो उनका डर भी चला जाएगा और शायद जस्ट शायद वो हमसे बातें शेयर करने लगेंगे। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। नो बट आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इतने ऑड टाइम पे यहां बुलाया, एक्चुअली मुझे भी ऑफिस जाना है अभी। आप संडे को फ्री हैं? सॉरी, आपने तो बच्चों की पूरी साइकोलॉजी समझ ली है। अगले संडे हमारी क्लास ले लीजिए। नहीं नहीं, कोई क्लास वास नहीं, इट्स जस्ट आई रीड अ लॉट। या थैंक यू। पर मुझे एक बात बताओ, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तो आपको सपोर्ट ही करती ना। मम्मा, वो अगर मैं आपको बता देता तो आप एकदम से मेरी हेल्प कर देती और वो शूज लाके उसे दे देती, फिर सबको पता चल जाता और वो उसे सिंपति देते, और हमें नहीं चाहिए था, वी वांटेड कि उसकी हेल्प भी हो जाए और उसे पुअर भी फील ना हो, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। सॉरी मम्मा। पर ये बात आपने रॉबिन को क्यों बताई? वो भी तो आपसे बड़े हैं, फिर उन पे इतना ट्रस्ट क्यों? मम्मा, मैं और रॉबिन हम एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं, हम दोनों के बीच वो इक्वेशन है। यादों की डोरियों से पक्की गांठें बांध लेते हैं हम अपने और उनके बीच जिन्हें हम प्यार करते हैं। कथा, तुमने मुझे अपने दिल में ऐसा जकड़ के रखा था ना कि ना ही मैं हिल पा रहा था और ना ही मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी, लेकिन आज तुम्हारी पकड़ थोड़ी कमजोर हुई है।
इसलिए तो आजाद फील कर रहा हूं मैं। नहीं आदि, बिल्कुल कमजोर नहीं हुई है मेरी पकड़, और अगर मेरी पकड़ कमजोर होगी तो मैं उसे फिर से टाइट कर लूंगी। तभी तो मैं तुमसे मदद मांग रही हूं। यू हैव टू हेल्प मी आदि, ताकि इस दिल में किसी और के लिए कोई जगह ना बन पाए। किसी के लिए मतलब वियान के लिए है ना? कथा, मैं एक याद हूं तुम्हारे दिल में बसी हुई, एक प्यारी सुनहरी याद, और हमेशा रहूंगा, लेकिन सामने नहीं, अंदर। और जो सामने है उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कथा, अपनी खुशी ढूंढना इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स ओके कथा, अब अपने बारे में खुल के सोचो कथा, और अरव के बारे में भी। उस बच्चे को भी खुली भाव से प्यार को समेट लेने दो, जहां से भी आ रहा है। और तुम भी खोलो ना अपने दिल के दरवाजे को, आने दो जो भी अंदर आना चाहता है। लेकिन अपने दिल में जगह उसी को देना जो मेरी कथा को डिजर्व करता हो। अच्छा मैं लेट हो रहा हूं, मुझे आरव का बास्केटबॉल गेम देखने जाना है। शूट, बैटमैन। आज से एक काम करते, हम एक दूसरे को ना एक प्रॉमिस करते हैं। बोलो क्या? कि हम जब भी जहां भी होंगे, जो भी कर रहे हो, हम हमेशा एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, और जितने भी नए दोस्त बन जाए पर हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे मस्ती हो या खुशी, हम एक दूसरे की दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई भी हमारे बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.